प्रयागराज के यमुनानगर मेजा तहसील के पथरा गांव सभा के कोटेदार द्वारा विगत 4 माह से अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं दिया जा रहा राशन। गरीब जनमानस परेशान होकर किया उप जिलाधिकारी मेजा का घेराव, जहां उत्तर प्रदेश सरकार आम जनमानस को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मुफ्त का राशन मुहैया कराकर लोगों को खुशहाल रखना चाहती है, वहीं सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए मेजा विकासखंड अंतर्गत पथरा ग्राम सभा के कोटेदार द्वारा आम जनमानस को सरकार द्वारा दिए जाने वाले फ्री राशन को देने के बजाय विगत 4 माह से अंगूठा लगवाने के बाद आज तक हीला हवाली की गई बताया जाता है, जिसे उक्त पथरा गांव निवासी काफी परेशान होकर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी मेजा का घेराव किया और मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। आम जनमानस का कहना है, कोटेदार के द्वारा विगत 4 माह से अंगूठा लगवा लेते हैं, सरकार द्वारा फ्री का दिए जाने वाला राशन नहीं देते। इसी बात को लेकर तहसील परिसर में शनिवार के दिन SDM मेजा से न्याय की गुहार लगाई और कहा, हम लोगों को कोटेदार से हमारे हक का फ्री में मिलने वाला राशन दिलाया जाए, हम लोगों को हमारे साथ में न्याय किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना देते रहेंगे। आम जनमानस के द्वारा अपनाए गए इस रवैये से मेजा तहसील प्रशासन के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उक्त विषय पर तहसील प्रशासन क्या रवैया अपनाता है, गरीब जनता का हक कोटेदार से दिलाकर लोगों को न्याय करता है या नहीं। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव।